तो ये वीडियो जो आप देख रहे थे भिवंडी शहर की थी, एक हुक्का पार्लर की। अब आइए बात करते हैं भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन की। यह हद है जहां मैं इस वक्त खड़ा हूँ, भिवंडी तालुका। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं लकड़ी को काटने के लिए जो कुल्हाड़ी बनती है उसमें भी लकड़ी लगाई जाती है। तो ये कहानी है, कहीं ना कहीं यूथ को यानी नौजवान को जो काटा जाता है, काटने का मतलब नौजवान को बर्बाद करने का जो काम है, तो कहीं ना कहीं नौजवानों से ही लिया जाता है। हमारे शहर भिवंडी की ये हालत हो चुकी है कि नशे का कारोबार, हुक्का पार्लर, एमडी, इस तरह का बहुत सारा कारोबार। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, सामने मेरे कब्रस्तान है कासिमपुरा, और मेरे ठीक पीछे हुक्का पार्लर भी है। हालांकि तालुका पुलिस स्टेशन की हद में आज तमाम हुक्का पार्लर पुलिस ने बंद करा दिया है, मगर शांतिनगर पुलिस स्टेशन की हद में आने वाला ये हुक्का पार्लर एक हफ्ता पहले यानी शनिवार के दिन यहाँ कार्रवाई हुई थी और उसके बाद फिर से चालू कर दिया गया है। बहरहाल भिवंडी शहर का यूथ बड़ी तेजी से बर्बाद हो रहा है। भिवंडी शहर के पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, साथ ही भिवंडी शहर के सामाजिक लोगों को अब सोचने की जरूरत है ताकि यूथ को बचाया जा सके। भिवंडी शहर में वैसे भी क्राइम की जो कहानी है उसका जो ग्राफ है बहुत ऊंचा होते जा रहा है। मैं सलमान मेमन के साथ खान। तो ये वीडियो जो आप देख रहे थे भिवंडी शहर की थी, एक हुक्का पार्लर की। अब आइए बात करते हैं भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन की। यह हद है जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन की हद में भी आधा दर्जन से अधिक हुक्का पार्लर मौजूद है और ढाबों पर भी लोगों को हुक्का दिया जाता है। बहरहाल आज का अच्छा दिन है क्योंकि तालुका पुलिस की हद में आने वाले तमाम हुक्का पार्लरों को पुलिस ने बंद कर दिया है। अब देखते हैं कि ये दोबारा कब चालू होता है, मगर बात फिर वहीं आकर रुक जाती है कि भिवंडी शहर का जो हमारा यूथ बर्बाद हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भिवंडी शहर में कई दर्जन भावी आमदार लेंगे, या जो आमदार हैं वो लेंगे, या सामाजिक कार्यकर्ता लेंगे, या पुलिस लेगी, क्योंकि हमारा जो यूथ है वो हाथ के बाहर होता चला जा रहा है, जिसके कारण भिवंडी शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्राइम है वो बड़ी तेजी से बढ़े हैं।